चलिए जी, तो हमने लास्ट टाइम बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और एक तीसरे टाइप के फ्लावर्स होते हैं गेटोनोगैमस, वो भी आपको बताया था। अब हम बताएंगे सेल्फ पॉलिनेशन। आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कि इट इज ऑब्लिगेटरी इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, इट अकर्स इन बायसेक्सुअल होमोगैमस प्लांट, सेल्फ कंपैटिबल। बट बायसेक्सुअल फ्लावर्स होना ये गारंटी नहीं देता कि सेल्फ पॉलिनेशन होगी। बायसेक्सुअल फ्लावर्स अगर हर्कोगैमी दैट इज हेट्रोगैमी या डाइकोगैमी शो करे, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी शो करे, तो उनमें चाहे फ्लावर्स बायसेक्सुअल है बट फिर भी उनमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के दो एजेंट्स आपको बताए थे, दैट आर एबायोटिक एंड बायोटिक। सो हियर फर्स्ट वी डिस्कस द एबायोटिक एजेंट्स। सो एबायोटिक एजेंट्स आर दैट इज एयर एंड वाटर। पॉलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड एज एनीमोफिली, राइट, एंड इट इज कॉमनली सीन इन केस ऑफ ग्रासेस, राइट। सो इट इवॉल्व इन पॉलिनेशन अकर्स इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इन जिम्नोस्पर्म्स देयर इज ओनली एनीमोफिली, बट इन एंजियोस्पर्म्स देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ पॉलिनेशन एंड वन ऑफ द मोड इज एनीमोफिली। एंड आउट ऑफ हाइड्रोफिली एंड एनीमोफिली मीन्स एबायोटिक एजेंट्स में एनीमोफिली इज मोस्ट कॉमन, राइट। एनीमोफिली बाय एयर, राइट, फर्स्ट थिंग, क्योंकि बाय एयर है। द फ्लावर्स शुड नॉट बी रिक्वायर्ड एज कलर्ड फ्लावर्स, राइट। कलरफुल किसको अट्रैक्ट करना है, किसी को नहीं। सो फ्लावर्स आर नॉन कलर्ड, सेकेंडली नॉन फ्रेग्रेंट, कोई खुशबू नहीं आती, एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर ऑल्सो, बिकॉज द फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर फॉर इंसेक्ट्स, बट वेन दे डोंट हैव टू टेक इंसेक्ट्स या पॉलिनेशन इज नॉट बाय इंसेक्ट, देन द फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। Then, what are the adaptations of anemophilous flowers? That first thing I had told you, they are colorless, nectarless, and non-fragrant. Secondly, these are mainly found in inflorescence. Third thing, the anther produce lot of pollen grains. Why? Why they produce lot of pollen grains even though the pollen grains are not eaten by insects? The insect pollinated hai. They produce lot of pollen so that some pollens are eaten by the insects. But here, nobody is eating their pollen. Even then, they produce lot of pollen grains. Why? Because anemophily is non-directional. जहाँ को हवा चलेगी, वहीं को ही pollen grains उड़ जाएंगे। उस तरफ चाहे female flower मिले या ना मिले। So it is non-directional. And highly wasteful, right? Many pollen grains get wasted. Therefore, lot of pollen grains are produced so that at least some pollen reach to the correct flowers, female flowers of the, you know, same species. Secondly, the pollen grains, they are light in weight, small in size, and they are non-sticky, so that they can be easily, you know, transported by air. Another thing, the stamens are exerted. Exerted means flower mein bahar ki taraf stamens hote hain. Stamens have loosely attached anther. ठीक है, यहाँ पे हम एक और पॉइंट कर सकते हैं, इसके यहाँ पर, यहाँ पे ऐड कर लेना कि stamens have loosely attached anthers. For example, in grasses, there are versatile anthers. ये है versatile anthers की झूलते रहते हैं। जैसे ही pollen grains mature हुए, थोड़ी सी हवा चली, the pollen grains are liberated, right? So
versatile anthers are those which can be easily dehisced, and dehisce means tootna, and liberate their pollen grains in the air. Right? So this is about pollen grains. And the ovary, because it's not sure whether the stigma, it received the pollen grains or not. Right? Because pollination is highly non-directional, wasteful process. Therefore, the flower, anemophilous flowers, does not consume lot of energy to produce many ovules. So anemophilous flowers, a characteristic feature that it produces only one ovule per ovary. ठीक है, एनर्जी वेस्टेज बचाने के लिए है ये. बहुत सारे ओव्यूल्स बना के बैठ जाए, इतनी सारी एनर्जी वेस्ट करे, ऊपर से कोई पोलन तो आए ही नहीं, फिर कैसे फर्टिलाइजेशन हो. राइट, सो लॉट ऑफ पोलन बट सिंगल ओव्यूल पर ओव्यूल. राइट, सो दीज आर द एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इन कॉर्न द लॉन्ग टेसल्स ऑफ द यू नो कॉर्न, मैं आपको दिखाऊं जरा. Can you see ये जो बाल बाल से नजर आते हैं कॉब के, कॉर्न कॉब देख पा रही हो कि नहीं? No, ma'am. Now can you see these long, these are called as tassels. ये जो बाल होते हैं छल्ली के, these are called as tassels. Right? दिख रहा है आप? तो ये क्या है? ये देखो, ये जो सीड है ना, ये जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स के ऊपर नजर आ रहे हैं. राइट, ग्रेन्स क्या है? ये इसका फ्रूट है. दिख रहे हो? फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से बनता है. तो आप ये देखो कि जो इसके ग्रेन्स है ना छल्ली के, ये क्या है? इसकी ओवरी है. और ऊपर ये बाल से क्या है? इसका स्टाइल एंड स्टिग्मा है. ओके, ठीक है. तो द कॉब जो छल्ली में या ग्रासेस में, यू नो मेज इज ए ग्रास, इट इज ए टाइप ऑफ ग्रास. सो इन इन कॉब ऑफ मेज देयर आर प्रेजेंट लॉन्ग टेसल्स, ये जो बाल है. व्हाट आर दीज टेसल्स? दीज आर लॉन्ग स्टाइल्स एंड स्टिग्मास. राइट, ये पूरा छल्ली का भूता है जिसको हम कहते हैं कॉब, और इसके ये जो बाल है इनको हम कहते हैं टेसल्स. राइट, ठीक है. सो दीज टेसल्स जो है in corn, the long tassels of cob are feathery stigma and long style. Is it okay? So this also shows that there occurs anemophily in case of maize. Maize is a type of grass. Right? So write down first anemophily. Chalo, sun lo pehle. Hydrophily. Hydrophily means pollination by water. ठीक है, आउट ऑफ एनीमोफिली एंड हाइड्रोफिली, एनीमोफिली इज कॉमन, हाइड्रोफिली रेयरली अकर्स. राइट, एंड सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में बहुत सारे जीनस है, कई हजारों हैं, बट ओनली 30 जेनरा में जो है उसमें क्या होती है हाइड्रोफिली, और वो भी जो 30 जेनरा है वो किसके है? मोनोकॉट्स के है. राइट, टू टाइप्स है. पहली बात तो इट अकर इन हाइड्रोफाइट्स, मोनोकॉट्स, एंड ब्रैकेट में लिख लो एक्वेटिक. हाइड्रोफाइट्स मींस विच आर एक्वेटिक, लिव इन वाटर. सो हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स, एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपो हाइड्रोफिली. बट राइट ऑन हियर वन मोर थिंग, बिकॉज कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि ऑल aquatic flowering plants do not show hydrophily. I will tell you why. So hydrophily is of two types. That is epihydrophily and hypo. Epi means above. Hydro means, you know, hypo means below. So epihydrophily
which occurs above surface of water, and hypohydrophilic means which occurs below the surface of water, right? So example is Zostera. Zostera is sea grass. Here, ध्यान से सुनो इधर, भव्य इधर कि it is marine. पहली बात तो जो angiosperms है, they are mainly fresh water, but there are few angiosperms which live in seas and oceans. So Zostera is a sea grass. It is marine. Submerged angiosperm means it lives below water. It bears filamentous ribbon shape. यहाँ पे हम एक और टर्म कर लेते हैं, फिलामेंटस रिबन शेप्ड पोलम. यहाँ पर रिबन शेप्ड पोलम होज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़ते होंगे, इज सेम एज दैट ऑफ सी वॉटर. अगर बेटे दो चीजों की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है तो वो चीज जो है जो वाटर में है वो फ्लोट करती रहेगी उसी लेवल पे. अगर भारी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी किसी चीज की, तो वो सिंक कर जाएगी. अगर पानी से कम होगी तो वो ऊपर आ जाएगी. बट यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज सेम एज दैट ऑफ सी वाटर, देयरफॉर इट फ्लोट्स एट द लेवल वेयर इट इज लिब्रेटेड, एंड व्हेन इट फ्लोट्स इट समहाउ comes in contact with the stigma of the pistil and causes pollination, right? So below water it is submerged angiosperm, its pollens are filamentous ribbon shaped, specific gravity same as that of seawater, therefore it floats under water, comes in contact with stigma and causes pollination, right? So this is Zostera. Another is epihydrophily, that is pollination above the surface of water, right? But again, its example is Vallisneria. Another example is, you know, Hydrilla. It is also submerged. It is also submerged hydrophyte. We will discuss about Vallisneria. You know, this is water body, कोई lake है, ये सारा पानी पानी है. So here, its roots, these are the leaves. Right? यहाँ पे ये स्टेम, दिस इज द स्टेम, दिस इज रूट एंड दीज आर लीव्स. देन हियर दीज आर मेल फ्लावर्स एंड हियर there are present these are female flowers having long style but it is coiled, right? So this is immature pistil with long coiled style. So what happens, let us say here I am drawing at maturity. The style gets uncoiled the stigma
it reaches the surface of the water. The male flowers breaks and come above surface of water, and they somehow get arranged around the stigma. This is male flower. These are not pollen grains. Male flower. These male flower, then, you know, their anther, it dehisces, liberate pollen grains near stigma, and the pollen grains cause germination. Is it okay? समझ में आई? दोबारा से मैं बता रही हूँ कि सेपरेट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स है इस प्लांट में, बट दोनों फ्लावर्स जो है एक ही प्लांट में मिल जाते हैं, मोनोशियस है, ठीक है, मे बी क्रॉस पॉलिनेशन, बट किसी ने. अब ये क्या है कि जो इमेच्योर पिस्टिल होती है, इट हैज लॉन्ग कॉइल्ड स्टाइल, जो पानी के नीचे रहती है. जब मेल प्लांट्स मैच्योर होते हैं तो इस मेल प्लांट्स अपने प्लांट से अलग हो जाते हैं. जब फीमेल फ्लावर मैच्योर है तो उसका जो स्टाइल है, इट गेट्स इलोंगेट, स्टिग्मा कम्स अबव वाटर. द मेल फ्लावर्स दे सराउंड द स्टिग्मा, देन देयर एंथर डिहाइसेस एंड लिबरेट्स पोलन ग्रेन. दैट पोलन ग्रेन दे germinate on the, you know, on the stigma and causes pollination. Is it okay? So although Vallisneria is a submerged hydrophyte, but there occurs epihydrophily, that is pollination above water. Is it okay? Samajh mein aayi thodi si? Let me show you. Can you see that this is, you know, इन्होंने fruit बता दिया, but this is, you know, style, long coiled style है, ठीक है? और भी हम दिखाते हैं आपको, ये देखिए, this is pistillate flowers, pistil जो है उसकी style elongate हो गई है, surface पे आ गई है, और ये देखो, ये छोटे छोटे क्या है, ये सब male flowers, they come near the, you know, pistil. ये देखिए, ये मेल फ्लावर है, ठीक है, और ये आप देख रहे हो इसकी स्टाइल जो है वो कॉइल्ड है. कैन यू सी दैट? और ये इसकी नीचे ये ब्राउन क्या है, इसकी स्टेम है, और नीचे ये रूट्स है. देख रहे हो कि नहीं? समझ में आ रही है? और हम देखें शायद एक और है, नहीं यही है. इज इट ओके? जो मैंने समझाया वो समझ आई? ये देख रहे हो, मेल फ्लावर्स अलग है, पिस्टिलेट फीमेल फ्लावर्स अलग है, और कैसे एपी हाइड्रोफिली होती है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी. तो पहले आप ये लिख लो, फिर मैं एपी हाइड्रोफिली का आपको लिखवा भी दूंगी वेलिसिनेरिया का, ठीक है. सो दिस इज, यू नो, डायग्राम जरूर बना लेना. पॉलिनेशन इन Vallisneria. ठीक है, ये रिबन शेप आपने यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे आपने लिख देना कि ऑल अकेटी, ये बॉक्स में लिख देना है आपको, राइट, ठीक है. बाकी यू डू दिस, देन आई विल एक्सप्लेन, डिक्टेट करवा देंगे हम. आपने फोर्थ पॉइंट क्या लिखा? मैं बताती हूँ बेटा, यही सारा जो मैंने बताया था, दिस इज ऑल एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स. 1, 2, 3, 4. फोर्थ इज व्हेन मैच्योर. व्हेन मैच्योर मींस व्हेन द पिस्टिल मैच्योर्स. व्हेन पिस्टिल मैच्योर्स, स्टाइल एंड कॉइल्स एंड रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर. एंड आफ्टर ऑल द प्रोसेसेस, अगेन आफ्टर पॉलिनेशन, द स्टाइल अगेन कॉइल्स एंड कम्स अंडर सरफेस ऑफ वाटर. ठीक है, फिर पानी के नीचे आ जाए. फर्दर डेवलपमेंट नीचे ही होती है, पानी के अंदर ही है.
जैसे हम कहते हैं कि सिर्फ 30 जनरा में एंजियोस्पर्म्स में हाइड्रोफिली है, उसी तरह से यू नो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स वी हैड डन लास्ट ईयर दैट इन ब्रायोफाइट्स एज वेल एज टेरिडोफाइट्स द मेल गैमेट्स रिक्वायर वाटर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. दैट इज व्हाई, क्योंकि पानी हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड और यू कैन से लिमिटेड, हर जगह नहीं. राइट, लिख लो ये. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जो इमर्ज्ड, ये हाइड्रोफिली में लिखोगे, इमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स. जो पानी के बाहर, मेरा इमर्ज में पानी में ही रह रहे हैं, बट उनके फ्लावर्स वगैरह जो बाहर है, ठीक है, लीव्स बाहर है, सच एज लोटस, वॉटर लिली, आइशोर्निया, आइशोर्निया इज वॉटर हियासिंथ, ठीक है, दीज आर इमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, इनके लीव्स, इनके फ्लावर्स जो है वो बाहर है, ठीक है. नाउ दे आर एक्सपोज्ड टू एयर ऑल्सो, दे आर एक्सपोज्ड टू इंसेक्ट्स ऑल्सो, देयर फ्लावर्स आर कलर्ड ऑल्सो, फ्रेग्रेंट है इनके फ्लावर्स एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, और अगर नहीं कलर्ड है तो विंड से एक्सपोज है. So they are mainly pollinated by insects or wind, right? So immersed hydrophytes such as these, bear, colored flowers, and are exposed to wind or insects. Therefore, these are either anemophilous or entomophilous, but not hydrophilous. Our last point, take dhyan se, pollen grains of, you know, hydrophytes jo hai are covered by mucilage, and are unwettable. पानी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं म्यूसिलेज शीट के कारण, नहीं तो वो तो गल सड़ जाएंगे, ठीक है. तो ये एक इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट खासियत है दैट दीज आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज एंड आर अनवेटेबल, राइट. सो लिख लो. नेक्स्ट इज बायोटिक एजेंट्स. इसमें हम आ जाते हैं एंटोमोफिली और मीथोफिली एंड पायरोपटेरोफिली. एंटोमोफिली मोस्ट कॉमन, एंटोमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स,
क्या मेन फीचर है? फर्स्ट है अट्रैक्टिव, तभी इंसेप्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे, आइदर लार्ज एंड सोलिट्री और इफ स्मॉल देन बोर्न इन इनफ्लोरेसेंस। अगर छोटे छोटे हैं तो ग्रुप्स में है, और अगर बड़े हैं देन दे आर सोलिट्री, अकेले अकेले प्लांट। सेकेंड है दे प्रोड्यूस लॉट ऑफ नेक्टर एंड एडिबल पोलन एज फूड फॉर इंसेक्ट्स। प्लांट्स हैव टू गिव सम रिवॉर्ड्स टू द इंसेक्ट इन टर्न ऑफ पॉलिनेशन, राइट? तो अगर इंसेक्ट्स पॉलिनेट करते हैं तो प्लांट्स भी उनको बहुत कुछ देते हैं, राइट? सच एज नेक्टर, सच एज लॉट ऑफ एडिबल पोलन। अनदर इज प्रोड्यूस फ्रेग्रेंस, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। जो इंसेक्ट्स है दे डिटेक्ट देयर स्पेसिफिक फ्लावर्स बाय देयर फ्रेग्रेंस ओनली। यहां से खुशबू आ रही है, इधर को इंसेक्ट चलते, राइट? अनदर इज डे ब्लूमिंग एंटोमोफिलस फ्लावर्स। डे ब्लूमिंग जो दिन में खिलते हैं आर कलर, वेयर एज नाइट ब्लूमिंग एंटोमोफिलस फ्लावर्स आर वाइट एंड शाइनिंग। राइट? सो प्रोड्यूस मैनी पोलन एंड मैनी ओव्यूल्स पर ओवरी। एंड द लास्ट स्पेसिफिक पॉइंट, पोलन ग्रेन्स are sticky. क्यों sticky है? As they are covered by pollen kit. एक sticky layer है pollen kit. And can you tell me what secretes pollen kit? कौन secrete करता है? भव्य? फ्लावर। फ्लावर में कहाँ पे पोलन किट बनती है? मैम स्टाइल के ऊपर। मतलब कौन सीक्रेट बनता? तो पोलन के ऊपर है, बट इसको बनाने में कौन हेल्प करता है? ओवरी। ओवरी और पोलन का कितना फर्क है, आप ये सोचो। ओवरी में पोलन कैसे बनेगा? हाँ जी हरगुण, आप बताओ। मैम एंथर। एंथर में क्या चीज है? फिलामेंट या? ओह नो 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 नो, सरगम। हाँ, एंथ्रोलोग्स। सरगम बता रही है जरा। हाँ, टिपीटम। यस टिपीटम, राइट? सो पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एज दे आर कवर्ड बाय पोलन किट सिक्रीटेड बाय टिपीटम। टिपीटम यू नो it is a wall layer of microsporangium, right?
तो एक मिनट, लिखना बाद में, पहले इधर। एंटोमोफिली को ही कंटिन्यू हम कर रहे हैं, ये अभी हम बात नहीं कर रहे। अनदर पॉइंट, वेरियस इंसेक्ट्स आर, कौन से डिफरेंट इंसेक्ट्स है, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन होती है हनी बीज से। द मोस्ट कॉमन आर हनी बीज, दे परफॉर्म 80% ऑफ एंटोमोफिली। Attracted by color and fragrance of flowers. Another is flies and beetles. They are attracted by bad odor of the flowers. बहुत सारे flowers हैं जो stink करते हैं, जिसमें से बड़ी गंदी सी smell आती है, right? So they attract flies and beetles. Attracted by bad odor of flowers. For example. Rafflesia. This is stinking. हम इसको कहते हैं stinking corpse lily. Do you know what is corpse? Corpse क्या है? Non dead body like. बिल्कुल, जो सड़ी हुई dead body की smell होती है Rafflesia में से, वो smell आती है. It attracts carrion flies. इसी तरह एक प्लांट है एरम, अरबी. इट गिव्स स्मेल लाइक रॉटन एग, सड़े हुए अंडों की तरह से. Right? Another is wasps. These are nocturnal. और जो रात में प्लांट्स पॉलिनेट होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंट होते हैं. आप देखते हो कई बार चमेली हो गई, रात की रानी हो गई, कितनी खुशबू आती है, राइट? तो क्यों? बिकॉज दे आर पॉलिनेटेड बाय वैक्स. नॉक्टर्नल है, अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, राइट? पहले ये लिखो, फिर मैं एग्जाम्पल बताती हूँ. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सालविया, राइट? तो सालविया जो है, इट इज पॉलिनेटेड बाय हनी बीज. बायसेक्सुअल फ्लावर है, इधर देखो बेटा, बायसेक्सुअल बट प्रोपेंड्रस. आपने मुझे बताना है प्रोपेंड्रस का क्या मतलब है. हाँ जी अर्णव, आप बताओगे व्हाट इज प्रोपेंड्रस फ्लावर्स, राइट? तो फ्लावर्स बाइसेक्सुअल है बट प्रोपेंड्रस है, दैट्स व्हाई क्रॉस पॉलिनेशन बाय हनी बीज अकर. सो हनी बीज विजिट्स सालविया टू कलेक्ट नेक्टर. ठीक है जी,
अनदर थिंग, साल्विया में क्या है? साल्विया हैज बाइलिप्ट भी हम कहते हैं और कई बार हम बाइलोब कह देते हैं. बाइलोब करोला मतलब एक पेटल है, उसके दो लोब्स है, करोला और पेटल, तो टू लोब्स वाला इसके पास करोला है. ठीक है. अनदर इज इट्स एंथर हैज लॉन्ग कनेक्टिव. जो बीच में यू नो ये होता है कनेक्टिव, ये लॉन्ग है जिसकी वजह से टू एंथर लोब्स जो है वो सेपरेट हो गए हैं. दिस इज लॉन्ग कनेक्टिव. Due to which its anther lobes are separated. और यहां पे आपको दिख रहा है कि this upper anther lobe, ये जो है ये वाला एंथर लोब फर्टाइल है, ये एंथर लोब जो है वो स्टराइल है. राइट. जब हनी बी इसके अंदर जाती है देन इट पुशेस द यू नो दिस करोला लोब डाउन. जब ये इसको नीचे को पुश, क्योंकि नेक्ट्रीज अंदर है, नेक्टर इकट्ठा करने के लिए इसको इसको पुश करना पड़ेगा. व्हेन इट पुशेस इट दिस एंथर लोब it touches the back of the honeybee, right? Protandrous का मतलब ये है. Yes, Shivanshi, can you tell me what is protandrous? Protoandry मतलब male sex organ mature earlier. इस flower में male sex organ mature है, so female नहीं mature अभी. So when the honeybees enter inside, the fertile anther lobes touches the back of the honeybee. And many pollen grains from this anther lobe, it stick to the back of the honeybee. Can be sticky to hai. Right? Then it comes out after collecting honey. It comes out and it visits another flower. This is another flower. Here, the female sex organ, it has already matured. Jo anther tha, it has liberated its pollen grains. Now when the honeybee loaded with pollen grains, it is trying to move inside, it again presses this corolla lobe downwards, due to which the anther it touches, the stigma touches the back of the honeybee. This is honeybee. And it collects the pollen from the back of the honey. Is it okay? ठीक है, दोबारा से समझा रही हूँ. यहां पर जब हनी भी गई, अंदर गई, तो it pushes the anther lobe downwards so that this anther it touches the back of the honey. The pollen grains liberated from this anther lobe, it stick to the back of the honeybee.
when this honeybee goes into another plant, the salvia is protentrous, male sex organ matures earlier. So this flower has already liberated its pollen grain. The pistil has already matured. Mature pistil has long style, due to which when the honeybee tries to enter inside, it presses the lower corolla lobe, due to which the stigma, it touches the back of the honeybee and collects the pollen grain. Is it right? So this, the salvia shows turnpipe mechanism, or you can say liver mechanism. ठीक है, लिवर मैकेनिज्म क्या है कि ऊपर नीचे हम झूला लेते हैं कि नहीं, ठीक है, तो इसी तरह से ये झूले वाला ही है कि हनी बी ने इसको प्रेस किया तो ये इधर को टर्न करके इसका पहले जो है एंथर टच किया और फिर बाद में स्टिग्मा टच किया. सो दिस इज साल्विया शोज, हम कह सकते हैं शोज लिवर मैकेनिज्म और टर्नपाइप मैकेनिज्म. यहां पे इस फर्स्ट वाले डायग्राम में हैज मैच्योर मेल सेक्स ऑर्गन. यहां सेकेंड वाले में एंथर ऑलरेडी डिवाइस्ड मैच्योर पिस्टिल हैविंग लॉन्ग स्टाइल. राइट, लिख लो. पॉलिनेशन इन फाइकस स्पीशीज. फाइकस को अगर हम देखें तो फिग, अंजीर जिसको कहते हैं, तो हियर इट इज पॉलिनेटेड बाय वैस टू ब्लास्टोफेगा. राइट, तो फाइकस बियर्स हाइपनथोडियम इनफ्लोरेसेंस. हाइपनथोडियम इनफ्लोरेसेंस कैसे होते हैं? दिस इज इट हैज द एक्सिस ऑफ द इनफ्लोरेसेंस एंड इट बियर्स three type of flowers. These are male flowers. In between, these are gall or neuter flowers. These have sepals, petals, but no sex organ. And here, these are female flowers. So jo blastophaga hai, the wasp feeds on gall flowers. तो जब ब्लास्टोफेगा वैस्प अंदर जा रहा है तो इसकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन स्टिक कर रहे हैं. इधर ये गॉल फ्लावर्स है, ये जब इनको खा रहा है, इनके बीच में उलझा हुआ है इनको खाने में,
then some of the pollen grain, you know, they are taken by the stigma of the female plant, right? Chahe isme, chahe kisi aur plant mein jaakar, right? Kisi aur inflorescence mein gaya, gallflower ye khane laga, aur jo pehle ke pollen grains the, they are taken by the female plant. In this way, it performs, you know, pollination, right? So pehle ye likho, fir main aapko likhwa deti hu. Pollination in ficus species such as, you know, उसके बाद पॉलिनेशन इन अमॉर्फोफेलस, ये भी एक प्लांट है, एंड यूका, दिस इज आल्सो वन प्लांट बाय वैस, ठीक है, यूका के लिए वैस का नाम है टेजिटिक्यूला, अमॉर्फोफेलस आपको ये पता होना चाहिए टॉलेस्ट फ्लावर्स होते हैं, एंड बोथ ऑफ दीज फ्लावर्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड नर्सरीज टू देयर लार्वा एंड एग्स, मीन्स द स्पेसिफिक vests lay eggs in ovaries or you can say ovarian locules of these plants. Okay, and in turn performs pollination. एक ही फ्लावर में जो है ये एग्स नहीं देते, कुछ एग्स एक फ्लावर में रखती है, कुछ एग्स दूसरे में रखती है, तो इस तरह से ये पॉलिनेशन करते हैं, क्योंकि दे विजिट सेवरल फ्लावर्स, दे शो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब है, दैट इज स्पेसिफिक फ्लावर pollinated by specific vast and specific vast lay eggs in specific plant. अगर यूका नहीं रहेगा तो टेजिटिक्यूला भी मर जाएगा, क्योंकि यूका is pollinated by टेजिटिक्यूला only. And Tegeticula lays its eggs in yucca only. Obligate, zaruri relationship. Is it okay? ठीक है, लिखिए. तो अब जो है इन्होंने eggs दे दिए ovary के locules में, ठीक है. The eggs, they develop in the plant, the eggs of the insects, the eggs of the insects develop in the plant and their larva comes out from the flower, comes out of the flower when the ovules start forming seeds, ठीक है जी, तो दिस इज फॉर टुडे, ठीक है, और इसी टॉपिक को हम ऑर्निथोफिली एंड देन कायरोप्टेरोफिली हम आगे बढ़ाएंगे, और आपने मुझे एक चीज याद करानी है, ऑफ्राइज की मैम, ऑर्किड की पॉलिनेशन करवानी है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, ठीक है, आपने वो याद कराना, एंड रेस्ट वी विल डू डे आफ्टर टुमारो ऑन वेडनेसडे, ओके बेटा, चलिए, थैंक यू बेटा, बाय बाय, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम.